Hi friends and welcome back. Welcome to the Aviation Career, my YouTube channel. My name is Manjeet Roy. And today in this video, I will give the brief overview about job-oriented aviation courses in India. Actually, friend, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि एविएशन इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए ओनली पायलट का कोर्स या फिर केबिन क्रू का कोर्स, उसको करने के बाद ही आप एविएशन इंडस्ट्री में लाइफ को ग्रो कर सकते हैं, लाइफ बना सकते हैं. बट ऐसा नहीं है. एंड कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको 12th के बाद मालूम ही नहीं होता है कि मतलब आगे क्या करना है, तो वो या तो मेडिकल लाइन ज्वाइन कर लेते हैं या फिर इंजीनियरिंग फील्ड ज्वाइन कर लेते हैं. बट जो भी स्टूडेंट को एविएशन में इंटरेस्ट है, एविएशन में काम करना चाहते हैं, तो वो इस कोर्स को करके आप एविएशन इंडस्ट्री में अपना करियर बना सकते हैं, अपने करियर को ग्रो कर सकते हैं. क्योंकि पायलट का जो कोर्स होता है वो बहुत कॉस्टली होता है, 90 लाख to 1 crore रुपीज़ लगता है करेंट के रेट में एक पायलट बनने के लिए. बट जिनका फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, वो इस कोर्स को कंप्लीट करके एविएशन में अपना करियर बना सकते हैं. ये कोर्स, जितने भी सारे कोर्स मैं आप शेयर करने वाला हूँ, वो आपके फाइनेंशियल जितने भी बजट हैं उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी कोर्स आप चूज कर सकते हैं. सो एक और बात, अगर आप एविएशन में इंटरेस्ट रखते हैं एंड एविएशन रिलेटेड आप वीडियो चाहते हैं या फिर कोई इन्फॉर्मेशन हो या फिर जॉब अपडेट्स हो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोज हैं उसका नोटिफिकेशन आपको डेली बेसिस पर मिलते रहे और आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो. फ्रेंड्स, वो कौन से जॉब ओरिएंटेड एविएशन कोर्सेस है उसके बारे में एवरीथिंग इसमें डिस्कस करने वाला हूँ. एंड इसके साथ साथ उस कोर्स का ड्यूरेशन कितना रहेगा, कितने फी आपको बियर करने पड़ेंगे, अगर आप कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी सैलरी कितने मिलेगी, एंड इसके साथ आपको कौन से कुछ कॉलेज मैंने शॉर्टलिस्ट किया है उसके बारे में उसकी जानकारी दूंगा मैं आपको. इसके साथ इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी क्या होगा वो भी आपसे शेयर करने वाला उस वीडियो में. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन. फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं थोड़ा सा कि अगर आप एविएशन इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसके कुछ पॉइंट्स मैंने शॉर्टलिस्ट किए उसके बारे में बात करता हूँ. देखिए, एविएशन इंडस्ट्री बहुत ही बेल रूम इंडस्ट्री है. अगर आप एविएशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप में कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड किया जाता है, जैसे कि आपकी गुड कम्युनिकेशन स्किल सबसे पहला रिक्वायरमेंट है, सेकेंड है बेल पर्सनैलिटी, एंड थर्ड है गुड कमांड इन इंग्लिश लैंग्वेज. तो ये सारे क्वालिटी आप में होनी चाहिए, तब आप एयरपोर्ट पे जॉब करेंगे तो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए सफरिंग करेंगे, बहुत लॉन्ग टाइम तक जॉब कर सकते हैं. सो नाउ अब बात करेंगे एक एक करके एक एक कोर्स के बारे में, एक एक कोर्स के बारे में डिटेल मैं बताऊँगा, डिटेल में बात करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बात करेंगे, जो पहला कोर्स है वो है डिप्लोमा इन एविएशन मैनेजमेंट. फ्रेंड्स, ये कोर्स आफ्टर 12th आप कर सकते हैं या फिर आफ्टर ग्रेजुएशन कर सकते हैं. मेल एंड फीमेल बोथ स्टूडेंट कोई भी कर सकते हैं इस कोर्स को. इस कोर्स के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 10+2 विद 50% मार्क्स. आपने ग्रेजुएशन कर रखा है फिर भी आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं. इस कोर्स का जो ड्यूरेशन होगा वो 6 months से लेकर के 1 year का होगा. एंड इसमें एज लिमिट के लिए कोई भी टर्म एंड कंडीशन नहीं रखा गया है. कोई भी एज लिमिट, आप कितने साल के हैं तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं. नाउ इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए आपको जो फी पे करना पड़ेगा वो 30,000 to 1 lakh हो सकता है. आप कितने दिन का कोर्स कर रहे हैं, सपोज 6 month का कर रहे हैं या फिर 1 year का कर रहे हैं, तो आप पे डिपेंड करता है. एंड कहीं कहीं ऐसा भी डिपेंड करेगा आप किस इंस्टीट्यूशन से कर रहे हैं, किस कॉलेज से कर रहे हैं, तो टोटली उस पर डिपेंड करेगा. आप अपने फाइनेंशियली बजट के अकॉर्डिंग आप कॉलेज चूज करके इस कोर्स को कर सकते हैं. नाउ सपोज आपने इस कोर्स को कंप्लीट कर लिया, तो कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको जो एज ए फ्रेशर सैलरी मिलेगी स्टार्टिंग में, वो 20,000 to 30,000 अराउंड आपको सैलरी मिलेगी. एंड आप इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद किस पोजीशंस पे ज्वाइन करेंगे, कस्टमर सर्विस असिस्टेंट, कस्टमर सर्विस ऑफिसर, सुपरवाइजर, देन एयरलाइन मैनेजर, एयरपोर्ट मैनेजर, ये सारे कुछ पोस्ट हैं जिस पे आप ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद. नाउ अब बात करेंगे सेकेंड कोर्स के बारे में, जो कि है एयर टिकटिंग कोर्स. ये भी बहुत अच्छा कोर्स है, इसको कर सकते हैं और ड्यूरेशन भी बहुत कम दिन का है.
या एयर टिकटिंग कोर्स को भी मेल एंड फीमेल बोथ स्टूडेंट कर सकते हैं। इसमें इस कोर्स को करने के लिए 3 मंथ, 6 मंथ एंड 12 मंथ थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब आप जिसमें भी इंटरेस्ट है, कितना पैसा आप बियर कर सकते हैं, तो आप उस कोर्स को कर सकते हैं, 3 मंथ का एंड 6 मंथ का एंड 12 मंथ का। इस कोर्स के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए 12th pass with 50% marks। यहाँ पे भी एज लिमिट का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी बार नहीं है। अगर आप ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं तो आप ग्रेजुएशन के बाद भी इस कोर्स को कर सकते हैं। नाउ अगर इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए आप कहीं से भी ज्वाइन करते हैं, डिपेंड करेगा इसका फ़ी उस कॉलेज के ऊपर, उस इंस्टीट्यूशन के ऊपर। इस कोर्स का फ़ी मिनिमम 25,000 टू मैक्सिमम 65,000 के बीच में आपको बियर करना पड़ेगा। सपोज आपने इस कोर्स को कंप्लीट कर लिया, कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपकी जो सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी जो होगी एज ए फ्रेशर 10,000 to 15,000 होगी अराउंड। एंड इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपकी जो जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, ए डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे मिलेगी, जैसे कि एयर टिकटिंग स्टाफ, सेकेंड है डॉक्यूमेंटेशन स्टाफ, एंड थर्ड है ग्राउंड क्रू एट एयरपोर्ट, एंड फोर्थ है कस्टमर सर्विस असिस्टेंट। तो ये सारे पोजीशंस पे आपको इसमें जॉब मिल सकती है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट थर्ड कोर्स। थर्ड कोर्स जो है फ्रेंड्स, वो है एयर कार्गो कोर्सेज। ये कोर्स स्पेशली फॉर मेल स्टूडेंट के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए। ये कोर्स भी 6 मंथ का है और 12 मंथ का भी है। आप जो भी कोर्स को कंप्लीट करने के लिए जितना भी मंथ का करना चाहते हैं, आप 6 मंथ का करना चाहते हैं, 12 मंथ का करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है, आप कर सकते हैं। इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए आपको जो फी बियर करना पड़ेगा वो 30,000 to 60,000 बियर करना पड़ेगा। नाउ इसके लिए भी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 12th pass with 60% marks। एंड अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं तो उसके बाद भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद एज ए फ्रेशर आपकी जो सैलरी मिलेगी स्टार्टिंग में, वो 10,000 to 25,000 अराउंड मिल सकती है। एंड इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी जो मिलेगी आपको, वो कार्गो असिस्टेंट, कार्गो ऑफिसर, सुपरवाइजर एंड कार्गो मैनेजर, ये सारे पोजीशंस पे आप जॉब कर सकते हैं, ठीक है। नाउ ये जितने मैंने कोर्स बताया, 3 कोर्स का बताया, डिप्लोमा इन एविएशन मैनेजमेंट, नेक्स्ट बताया मैंने एयर टिकटिंग कोर्सेस, उसके बाद जो कोर्स बताया था मैंने आपको वो एयर कार्गो कोर्सेज, ये कोर्स एग्जीक्यूटिव लेवल की कोर्सेज है। नाउ अब बात करेंगे जो मैनेजमेंट लेवल की कोर्सेज है उसके बारे में। मैनेजमेंट लेवल में 2 कोर्स है, BBA इन एविएशन मैनेजमेंट एंड MBA इन एविएशन मैनेजमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे BBA इन एविएशन मैनेजमेंट के बारे में। BBA एंड एविएशन मैनेजमेंट जो कोर्स है, इस कोर्स को मेल एंड फीमेल बोथ स्टूडेंट कर सकते हैं। इसका ड्यूरेशन 3 ईयर्स का होता है, जैसे नॉर्मल BBA होता है वैसे ये भी 3 ईयर्स का होता है, बट नॉर्मल BBA नॉर्मल होता है, और इसमें क्या होता है कि आप एविएशन के स्पेशलिस्ट होंगे, जिसका भी जिसमें भी स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं एविएशन में। एक होता है एविएशन में BBA इन एविएशन, BBA इन बिजनेस मैनेजमेंट, तो आप इसमें आप स्पेशलिस्ट होंगे। तो इस कोर्स का ड्यूरेशन 3 ईयर्स होगा एंड इसका मिनिमम रिक्वायरमेंट है 12th pass with 60% marks एंड किसी भी बोर्ड, किसी भी यूनिवर्सिटी से। नाउ इसके लिए भी एज लिमिट का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपका एज लिमिट इतना होनी चाहिए। एंड उसके साथ इस कोर्स को करने के लिए आपके पास डिफरेंट चॉइसेस हैं। एक तो है कि आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में। सेकेंड है कुछ उससे अच्छे जो प्राइवेट कॉलेज होंगे, उससे भी कुछ अच्छे कॉलेज होंगे जो कि आपको मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन करेंगे। आपका 12th में कितना परसेंट मार्क्स है तो आपका सिलेक्शन मेरिट बेसिस पे होगा। एंड थर्ड ऑप्शन है आपके पास एंट्रेंस एग्जाम। एग्जाम निकलता है, उस एंट्रेंस एग्जाम आपको देना पड़ेगा, फिर आपकी इंटरव्यू होगी, देन आपका सिलेक्शन होगा। तो आप कौन से कॉलेज ज्वाइन करना चाहते हैं आप पे डिपेंड करता है, एंड आपके फाइनेंशियल कंडीशन पे डिपेंड करता है। नाउ अगर आप इस कोर्स को कंप्लीट करते हैं तो इस कोर्स का कंप्लीट करने के लिए जो आपको फी बियर करना पड़ेगा वो 1 लाख से लेकर के 3 लाख के अराउंड आपको बियर करना पड़ेगा। नेक्स्ट
आपने सब कुछ इस कोर्स को कंप्लीट कर लिया। कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आफ्टर दैट आपको जो स्टार्टिंग सैलरी एज ए फ्रेशर मिलेगा वो 30,000 से लेकर के 60,000 अराउंड आपको सैलरी दिया जाएगा। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट जॉब रिक्वायरमेंट। इस कोर्स को आप कंप्लीट कर ले रहे हैं आप तो आपको किस किस पोजीशंस पे आपको जॉब मिल सकता है। एक है एयरपोर्ट मैनेजर, सेकेंड है एडमिनिस्ट्रेटर, थर्ड है स्टाफ मैनेजर एंड नेक्स्ट है सेफ्टी मैनेजर। तो ये सारे पोजीशंस पे आप जॉब कर सकते हैं। फ्रेंड्स नाउ अब बात करेंगे एमबीए इन एविएशन मैनेजमेंट कोर्स के बारे में। ये कोर्स 2 ईयर्स का है एंड इसको भी कोई भी मेल एंड फीमेल कोई भी स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें भी एज लिमिट का कोई भी बार नहीं है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एंड इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है 12th पास विथ 50% मार्क्स एंड ऑल्सो ग्रेजुएशन विथ 50% मार्क्स। तो आप आफ्टर ग्रेजुएशन में आपका 50% मार्क्स है, 12th में 50% मार्क्स है तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए भी इसको भी ज्वाइन करने के लिए सेम बीबीए जैसा कंडीशन यहाँ पे भी है। आप या तो कोई प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज कोई अच्छे टॉप लेवल कॉलेज ज्वाइन करेंगे तो वो आपको मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन करेंगे। आपका 12th में ग्रेजुएशन में कितना परसेंट मार्क्स है उस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, आपका एडमिशन होगा। एंड लास्ट है जो है वो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू है। एंट्रेंस एग्जाम में आपको वही कैट मैट जेट का एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम को आपको देना है। आपके एंट्रेंस एग्जाम होगी, देन आपका रिजल्ट क्लियर किया जाएगा, देन आपकी पर्सनल इंटरव्यू होगी, आफ्टर दैट आपका एडमिशन होगा। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए आपका जो फ़ी लगेगा वो फ़ी टोटल फ़ी होगा 2 लाख से लेकर के 5 लाख के बीच में आपको फ़ी लगेगा। एंड अगर आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हो तो कंप्लीट करने के बाद आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी एज ए फ्रेशर वो होगी 5 लाख से लेकर के 8 लाख के बीच में। ठीक है, तो ये बीबीए इन एविएशन मैनेजमेंट एंड एमबीए इन एविएशन मैनेजमेंट, ये दो जो कोर्स है वो मैनेजमेंट लेवल का है। एंड बाकी जो कोर्स मैंने जो जिसमें बताया आपको वो कोर्स जो है वो एग्जीक्यूटिव लेवल का है। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप किस कोर्स को करने के लिए इंटरेस्टेड है। नाउ हम बात करेंगे, सपोज आपने एमबीए इन एविएशन मैनेजमेंट कोर्स कंप्लीट कर लिया तो इसके बाद आपको किस किस डिपार्टमेंट में किस किस पोजीशंस पे आपको जॉब मिल सकता है। एयरपोर्ट मैनेजर बन सकते हैं आप, एयरपोर्ट ऑपरेशन मैनेजर बन सकते हैं आप, एचआर मैनेजर बन सकते हैं आप, कार्गो ऑपरेशन मैनेजर बन सकते हैं आप एंड ट्रैफिक कंट्रोलर बन सकते हैं आप। ठीक है, एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोलर बन सकते हैं। तो इतने सारे पोजीशंस पे आपको जॉब मिलेगी। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स अब बात करेंगे, मैंने कुछ बीबीए इन एविएशन मैनेजमेंट कोर्स के कॉलेज को शॉर्टलिस्ट किया है एंड ऑल्सो एमबीए इन एविएशन मैनेजमेंट के कोर्सेज को भी कॉलेजेस को भी शॉर्टलिस्ट किया है जिसको मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ इस वीडियो में। क्योंकि बीबीए इन एविएशन मैनेजमेंट के कौन से कॉलेज है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड एमबीए इन एविएशन मैनेजमेंट के कौन से कॉलेज है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बीबीए इन एविएशन मैनेजमेंट के बारे में। पहला जो कॉलेज है वो ईस्ट वेस्ट कॉलेज बेंगलुरु, सेकेंड कॉलेज है SJES कॉलेज बेंगलुरु, थर्ड कॉलेज है BGS ग्लोबल एंड SJB कॉलेज बेंगलुरु एंड फोर्थ है RR कॉलेज बेंगलुरु, फिफ्थ है CR एविएशन अकेडमी एंड नेक्स्ट जो है वो है न्यूटेक अकेडमी, नेक्स्ट है GMR एविएशन अकेडमी एंड उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलेज है वो है पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन टेक्नोलॉजी, उसका जो नेक्स्ट कॉलेज है वो है PTC एविएशन अकेडमी। नाउ नेक्स्ट कॉलेज जो है वो IIFA बेंगलुरु, नेक्स्ट कॉलेज है वो है अन्ना स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, उससे भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलेज है एपटेक एविएशन एंड हॉस्पिटलिटी अकाडमी भुवनेश्वर, नेक्स्ट कॉलेज है वो है जैन यूनिवर्सिटी, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। जो एक और कॉलेज है उसको UPES देहरादून, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो कॉलेज है वो है ईस्ट पॉइंट कॉलेज बेंगलुरु। तो इस ये कुछ कॉलेज थे जिसको मैंने शॉर्टलिस्ट किया था आपसे शेयर करने के लिए। आप चाहें तो गूगल करके BBA इन एविएशन मैनेजमेंट कॉलेज इन इंडिया आप गूगल करके सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत सारे रिजल्ट मिल जाएंगे। आप चाहें तो जो भी कॉलेज आप ज्वाइन करने में इंटरेस्ट रखते हैं आप उसको कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हैं।
नाउ अब बात करेंगे कुछ एमबीए इन एविएशन मैनेजमेंट के जो कॉलेज हैं, जो इंडिया में टॉप कॉलेज हैं उनके बारे में। आप यहाँ से अगर एमबीए इन एविएशन मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं तो आपको बहुत वैल्यू दिया जाएगा, क्योंकि ये इंडिया के टॉप एमबीए इन एविएशन मैनेजमेंट के कॉलेजेस हैं। सो स्टार्ट करते हैं। पहला कॉलेज जो है एजे एविएशन एकेडमी बेंगलुरु, सेकेंड जो कॉलेज है वो इंडियन एविएशन एकेडमी मुंबई, थर्ड है राजीव गांधी एविएशन एकेडमी हैदराबाद, एंड फोर्थ है बिंग्स कॉलेज ऑफ एविएशन एंड टेक्नोलॉजी पुणे, फिफ्थ है इलाहाबाद एविएशन एंड एयरोनॉटिक्स अहमदाबाद, सॉरी अहमदाबाद एविएशन एंड एयरोनॉटिक्स अहमदाबाद, एंड सिक्स्थ जो कॉलेज है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एयरोनॉटिक्स न्यू दिल्ली, सेवन्थ कॉलेज है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एयरोनॉटिक्स एंड साइंस जमशेदपुर, एंड जो एट कॉलेज है वो है हिंदुस्तान एविएशन एकेडमी बेंगलुरु, नेक्स्ट कॉलेज है वो है नाइन में नंबर पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एयरोनॉटिकल एयरोनॉटिकल साइंस कोलकाता, एंड टेन नंबर पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पुणे। मैंने ये जो टॉप 10 एविएशन मैनेजमेंट कोर्स के कॉलेजेज है मैंने आपको उसको बताया जहाँ से आप एमबीए कर सकते हैं एविएशन मैनेजमेंट में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जो भी स्टूडेंट जिस भी कोर्स को करने के लिए इंटरेस्टेड है आप अपने फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग उस कोर्स को कर सकते हैं। ये कुछ कोर्स थे जो कि जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं, जिसको करने से आपके एविएशन में आपका जो फ्यूचर है बहुत ग्रो करेगा। बहुत आप एग्जीक्यूटिव लेवल में करें या फिर मैनेजमेंट लेवल में करें, किसी लेवल में करें, आपके करियर के लिए बहुत ही अच्छे कोर्स हैं ये जो मैंने आपको शेयर किया। इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई और भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपके एक एक कमेंट का रिप्लाई करूँ। अदरवाइज आप मुझे मेल भी सकते हैं, मेरा ईमेल आईडी है theaviationcareer@gmail.com। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव ए नाइस डे।